नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज करीब करीब आधे लोजपा का जदयू में विलय हो गया। जी हां, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि करीब आज हजारों कार्यकर्ताओं ने लोजपा के बंगले से निकलकर जदयू के तीर की कमान को थाम लिया। जदयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह की मौजूदगी में, उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के, केशव सिंह, लोजपा के एक बहुत बड़े नेता केशव सिंह के नेतृत्व में तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं लोजपा के, उन्होंने आज जदयू का दामन थाम लिया है। उस अवसर पर क्या वहां का माहौल था और क्या कुछ फिर आरसीपी सिंह ने कहा, आपको दिखाते हैं। अगर क्षमता है तो प्रदेश में या देश में किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि और जगह क्या होता है, बात करेंगे लोग आरक्षण की, लेकिन ऊपर का पद, ये समाजवादी पार्टी को क्या हाल है, वो आरक्षित रहता है उनके परिवार वालों के लिए, उनके वंश वालों के। इसलिए साथियों, आप सबको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि आप आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जिनके नेता न वंशवाद में विश्वास करते हैं न इसको प्रश्रय देते हैं। तो आप में मेधा होगी, आप में संगठन की क्षमता होगी, तो आपको तो फायदा होगा ही, साथ साथ पार्टी को भी फायदा होगा। इसलिए आप सब लोगों को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पार्टी छात्र हमारे नेता नीतीश बाबू कभी जन्मदिन नहीं मनाते, मनाते ही नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, वो चाहते हैं कि 1 मार्च जो हमारे नेता का जन्मदिन है, उसको हम लोग हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक बूथ पर हम लोग मनाएं। तो पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे नेता का जो जन्मदिन है 1 मार्च, उसको पूरे बिहार में और दूसरे प्रदेशों में भी जहाँ हमारी पार्टी है, विकास दिवस के रूप में हम लोग उनको मनाएंगे। हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पर नीतीश बाबू का जन्मदिन मनाएंगे, उनकी दीर्घायु की कामना करेंगे, साथ साथ प्रदेश में उस गांव में जो हमारे नेता के द्वारा काम किया गया है उसको उस दिन मनाएंगे और खुशियां मनाएंगे। तो साथियों, आज आप सब लोग यहाँ आए पार्टी से दस्ता लिए, इसके लिए फिर से, और मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस उम्मीद से इस पार्टी में आए हैं, पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी। और इस पार्टी की पहचान क्या है, हमारे बगल में उमेश कुशवाहा जी बैठे हैं, आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई पैरवी से बने हैं क्या, परिवार की पृष्ठभूमि से बने हैं क्या, पार्टी में आए, पार्टी में काम किया और प्रदेश में संगठन का जो सबसे बड़ा पद है उसको प्राप्त किया। जनता दल यू, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, नोट कर लिए, एकमात्र पार्टी है जहां की वंशवाद और परिवारवाद, हमारे जितने भी पार्टी में साथी हैं सबके मुखिया हमारे नीतीश बाबू, इस पूरे परिवार के वो मुखिया है, और हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता बिहार में सब लोग इनकी इच्छा, हमारे नेता ने नीतीश बाबू कभी जन्मदिन नहीं मनाते नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, वो चाहते हैं कि 1 मार्च जो हमारे नेता का जन्मदिन है, उसको हम लोग हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक बूथ पर हम लोग मनाए। है कि हमारे नेता का जो जन्मदिन है 1 मार्च, उसको पूरे बिहार में और दूसरे प्रदेशों में भी जहां हमारी पार्टी है, विकास दिवस के रूप में हम लोग उनको, हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पर नीतीश बाबू का जन्मदिन मनाएंगे, उनकी दीर्घायु की कामना करेंगे, साथ
साथ प्रदेश में इस गांव में जो हमारे नेता के द्वारा काम किया गया है उसको बनाएंगे और वहां निश्चित रूप से चूंकि आप पिछड़े हैं वहां कम हो गए। और मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस उम्मीद से इस पार्टी में आए हैं पार्टी आपके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी और इस पार्टी की पहचान कर हमारे बगल में उनसे स्वागत होगी। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं कोई पैरों से बने हैं क्या, परिवार की कुछ भूमि से बने हैं क्या, पार्टी में आए पार्टी में काम किया और प्रदेश में संगठन का जो सबसे बड़ा पद है उसको प्राप्त जनता के लिए मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं लोकदल लिए एकमात्र पार्टी है जहां की वंशवाद और परिवारवाद हमारे जितने भी पार्टी में साथी हैं सबके मुखिया हमारे नीतीश भाई हैं। इस पूरे परिवार के मुखिया है और हमारी पार्टी के जितने भी साथी हैं कोई अगर क्षमता है तो प्रदेश में देश में किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। सारी पार्टियों क्या हाल है वह अच्छी कहता है उनके परिवार वालों के लिए उनके वंश वालों इसलिए साथियों आप सबको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी क्या आप ऐसी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं जिनके नेता न वंशवाद में विश्वास करते हैं न उसको प्रश्रय देते हैं। तो आप में मेहनत होगी आप में संगठन की क्षमता होगी तो आपको भी फायदा होगा ही साथ साथ पार्टी को भी फायदा होगा। इसलिए आप सब लोगों को खुश होने बहुत बहुत बधाई देता हूँ पार्टी साथ। तो आपने देखा आरसीपी ने क्या कुछ कहा और क्या माहौल था वहां का। इस पर मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर आरसीपी सिंह उमेश कुशवाहा ने केशव सिंह के साथ तमाम उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को जदयू में शामिल होने की बधाई दी और कहा कि जदयू अब और ज़्यादा मजबूत होगा यानी कि चिराग पासवान की मुश्किलें अब बढ़ गई। शायद जिस पार्टी को रामविलास पासवान ने अपने खून पसीने से सींचा था उसका कहीं अस्तित्व जो है समाप्त होने की कगार पर बिहार में तो निश्चित तौर पर पहुंच गया है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान जो है क्या कुछ पार्टी के लिए करते हैं और पार्टी की नैया किस तरीके से बचाते हैं बिहार में, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।